तो जय श्री राम सभी साथियों को। और जैसा आपको पता है, मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था कि लक्ष्मण जो रामायण के लक्ष्मण है, यानी कि अरुण गोविल जी को तो बुलाया गया है, लेकिन जो हमारे रामायण के लक्ष्मण सुनील लहरी है उनको नहीं बुलाया गया था। दोस्तों अभी एक बड़ी अच्छी खबर आई है। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या नगरी के अंदर अब रामायण के राम लक्ष्मण और माता सीता यानी कि दीपिका चिखलिया जी भी पहुंच चुकी हैं। दोस्तों ये तीनों की जो जोड़ी है भाई साहब बहुत ही गजब की लग रही है, और मानो साक्षात प्रभु राम आ गए हों अयोध्या नगरी में। और अयोध्या वासियों को काफ़ी ज़्यादा ये देखकर खुशी हो रही है कि भाई आज जो सच में भगवान आ रहे हैं। जी दोस्तों आपको बता दें कि जो अयोध्या नगरी के अंदर है रामायण के जो किरदार निभाने वाले हम सब के प्रिय यानी कि अरुण गोविल जी श्री राम भगवान का जिन्होंने रोल अदा किया था, और वहीं माता सीता के रूप में जो दीपिका चिखलिया जी थी, लेकिन दोस्तों जो हमारे सुनील लहरी यानी कि लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील जी को अयोध्या का निमंत्रण नहीं मिला था, तो वो काफ़ी दुखी थे और आहत थे। लेकिन फाइनली दोस्तों वो वीडियो आ गया जिसमें ये तीनों एक साथ नजर आ रहे हैं। दोस्तों काफ़ी लंबे वक्त के बाद जब इन तीनों को साथ में देखा तो हर कोई फैंस इन्हें देखते ही रह गया, और बहुत सारे लोग इन्हें साक्षात प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण की तरह पूजने लगे, और इनका जो अयोध्या में दौरा है दोस्तों बहुत ही गजब लग रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, प्रभु राम की अयोध्या नगरी में जब हम सबके दिलों में जिस राम की छवि जो अरुण गोविल जी बनाते हैं, वो छवि जब खुद रामायण के इस प्रतिष्ठा सम्मान समारोह में जब ये खुद पधारेंगे, तो भाई साहब एक अलग ही मतलब महसूस होगा, और पूरे देश में इसको लेकर खुशी है। आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। और दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं इन तमाम किरदारों को लेकर, और एक बार कमेंट कीजिएगा। और क्या आप भी जा रहे हैं 22 तारीख को, या फिर आप 22 के बाद में जाएंगे अयोध्या में।